पीएम मोदी आज एमपी के रीवा में हवाई अड्डे का करेंगे वर्चुअली शुभारंभ। अखिलेश संघ नामांकन दाखिल करेंगे। तेज प्रताप यादव सैफई परिवार के सदस्य और पार्टी नेताओं का यूपी के मैनपुरी में जवाबड़ा। कोलकाता में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सीएम ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों को मिलने के लिए दिया निमंत्रण। मोदी सरकार की बढ़ेगी मुश्किल। किसानों की महापंचायत आज, ग्रेटर नोएडा में होगा बड़ा आंदोलन। बहराइच मामले में अब तक 112 लोग गिरफ्तार। बुलडोजर की जद में 23 दुकान मकान। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को चिट्ठी लिखकर मांगी जस्टिस लीग इंडिया की डिटेल, जांच जारी। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने की याचिका पर आज एससी में सुनवाई। आरबीआई ने 4 एनबीएफसी पर लोन देने से रोक लगाई। नियम से ज्यादा ब्याज वसूल रही थी, आज से प्रभावी होगा आदेश। डूसू चुनाव का रिजल्ट आज होगा जारी। दिल्ली एससी का आदेश बना देरी की वजह। तबाही मचाने आ रहा है चक्रवाती तूफान। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। मैकडोनाल्ड में फ्रेंच फ्राइज बनाते दिखे डोनाल्ड ट्रंप, खुद ही सर्व किया ऑर्डर, सामने आया वीडियो। रूस ने स्थायी सीट के लिए फिर किया भारत का समर्थन, यूएनएससी में भारत है जरूरी। गजा पट्टी में इसराइल ने मचाई तबाही, हवाई हमलों में 87 लोगों की गई जान, इंटरनेट सेवा भी बाधित। ट्रूडो ने बर्बाद किए दोनों देशों के रिश्ते, कनाडा में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त ने लगाए गंभीर आरोप। क्यूबा में तीसरे दिन भी बिजली संकट बरकरार, पूरे देश में ब्लैकआउट, तूफान ऑस्कर को लेकर जारी चेतावनी। मालदीव जाने वालों को होगी सहूलियत, अब कर पाएंगे यूपीआई से पेमेंट। ऊंचे रिटर्न को देख निजी सेक्टर को भाने लगा, एनपीएस स्कीम से जुड़े हैं 1.54 करोड़ लोग। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच 4 कंपनियों का बढ़ गया है एम कैप, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक रहा टॉप गेनर। आम जनता पर पड़ सकती है महंगाई की मार, बढ़ सकते हैं सीएनजी के दाम। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज कई गाड़ियां होंगी रद्द, कई ट्रेनों का बदला गया रूट।